23 जून को जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन के दौरान जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस दिन को भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। इसी क्रम में गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बलिदान दिवस कार्यक्रम के पश्चात पार्टी द्वारा बैनीगंज कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री चिरंजीवी लाल चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला देवी, अनिता गुप्ता, अभय शुक्ला सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने 28 जून को मगहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने तथा 18 वर्ष से ऊपर हो चुके युवक युवतियों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। संत कवि हमारे बगल के जिले संत कबीर नगर में का एक प्रमुख स्थान है, वहीं पे इस रैली का रैली को प्रस्तावित किया गया है। इस रैली को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे गोरखपुर कमिश्नरी और महाराजगंज कमिश्नरी के जिला से वहाँ के रैली को सफल बनाने के लिए संख्या लेके जाना है। उसमें किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए युवाओं की विशेष भूमिका होती है, युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी विशेष भूमिका होती है। इसी रैली को सफल बनाने के लिए आज हम सब इस तैयारी बैठक के माध्यम से माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, इस रैली के प्रभारी आदरणीय दुर्गा प्रसाद राय जी और महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में हम सब उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा रैली में गोरखपुर महानगर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विशेष रूप से मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के बीच में इस बैठक के मुख्य अतिथि हम सब के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित हैं। एक बार आप सब के माध्यम से मैं माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित मंचस्थ सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, आप सभी को ज्ञात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था और उन्होंने कश्मीर में जाकर के और परमिट सिस्टम को तोड़ने का काम किया। आज इस बात को दावे के साथ हम कह सकते हैं कि कश्मीर भारत के हिस्से में भी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ योगदान किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। आज उन्हीं के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। निश्चित तौर पे यह देश बहुत सारे बलिदानियों के बल पे और जो के नाते आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और स्वतंत्र भारत में होते हुए और अपनी बात को रख सकते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी हमारी बोधा और हम सभी की महत्व है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज नेतृत्व के निर्देश पे यद्यपि सभी बूथों पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पे सभी बूथों पे कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आप बूथों पे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और मतदाता सूची लेकर के घर जाकर के और संपर्क करके जहाँ का नाम छूटा है जिन युवाओं का, यानी 1 जनवरी 2019 को विकासशाला जो कि आप लोगों को पता भी है, 1 जनवरी 2019 को जिन युवाओं का 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है उन्हें भी मतदाता सूची में उनका नाम जुड़े और 5-6 भी हम लोगों ने भी बातचीत करके पूरे अपने शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा में भी 5-6 और 5-7 उपलब्ध कराया है। मतदाता सूची भी आप लोगों को प्राप्त हो गई। मेरा आग्रह होगा आप सभी के बैठे, यद्यपि ये बैठक अधिकारियों की बुलाई गई थी, मेरा आग्रह होगा आप लोगों से कि मतदाता सूची का पूरा अवलोकन आप भी मंडलों में सेक्टरों में पहुँचा है उसका अवलोकन करके और जिनके नाम छूटे हैं उनका नाम बढ़ाने का कष्ट करें और जिनकी मृत्यु हुई है आपको ज्ञात है कि उनकी मृत्यु हुई है, ये सब छोड़ के चले गए, इनका ट्रांसफर हो गया है, इन लोगों का भी फार्म साफ करवा करके और एक उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास भी रख लेंगे, हम लोग के पास आएगा हम लोग भी प्रशासन से बात करेंगे और एक डी एल ओ को भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये मतदाता सूची के बारे में ठीक से मैंने 15 से लेकर 30 तक का ये अभियान जो हम लोग का चला था और हम लोग ने 16 तारीख को एक साथ शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा की बैठक आहूत की थी। अब आज ये बैठक अभी रजित राय बड़े जी ने बताया है कि किसने भी आप लोगों को आज की बैठक लाई गई। 28 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित रैली मंथन में संपन्न होने वाली है। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, हम सभी चूँकि बगल के जिले के तो अधिक से अधिक संख्या हम लोग को लेकर के चल रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत वैशाल जी महाराज अभी 20 तारीख को बैठक यहाँ पे 11 जनपद के अध्यक्ष प्रभारी क्षेत्र के हमारे सम्मानित श्री पदाधिकारीगण और सांसद विधायक ऐसे सभी लोगों की बैठक हम की। उस बैठक में जो अपने महानगर का उन्होंने पूछा था तो हमने आप लोगों के बल पे ही 1 सेक्टर से 100 यानी अपने 70 सेक्टर हैं महानगर 7,000 और इसके अलावा और भी जो अपने चूँकि मोर्चे हैं प्रपोस्ट हैं बहुत सारे टारगेट 10,000 का लेकर के चले थे लेकिन ये भी 10,000 का टारगेट लेकर के चल के हम 7,000 की संख्या कम से कम अपनी चले संकल्प नगर में ऐसी योजना रक्षा बढ़ाने के लिए तय किया कि मंडलों की एक साथ बैठ के यदि आप संज्ञान में यह है कि 21 को हम लोग महानगर की बैठक किए, 22 तारीख को एक साथ हम लोगों ने 6 मंडल की बैठक संपन्न करा दी। 6 मंडल की बैठक में कल रात 9 बजे तक बैठक चली है, सुबह से लेकर के सुबह गीता नगर मंडल फिर साफ ऑफिस बैठे शाम को बैठे थी, उसके बाद से वहाँ पे सभी सेक्टरों की बैठकें तय हुई। आज 23 और कल यानी 23-24 में लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया ज़्यादातर बैठकें 23 तक लेकिन लगभग एक सेक्टर में हो गया जी जी हाँ आप अध्यक्ष जी ने सुबह हम लोग से वार्ता किया और तुरंत 1 घंटे के अंदर ही सिंहपुर चौथा सेक्टर है गीता नगर मंडल आपने